नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर सूर्य ग्रहण का मुख्य केंद्र होने के कारण धार्मिक अनुष्ठान किया गया आयोजित। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर रविवार को सूर्य ग्रहण का मुख्य केंद्र होने के कारण गीता उपदेश स्थली और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस अनुष्ठान में स्वामी गीता महर्षि ज्ञानानंद महाराज के साथ साथ काशी ब्रज और कुरुक्षेत्र के साथ विभिन्न अखाड़ों से आए हुए साधु संतों काशी ब्रिज और कुरुक्षेत्र के साथ साथ विभिन्न अखाड़ों से आए हुए साधु संतों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को चंडीगढ़ से ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के गंगा घाट पर विश्व शांति के लिए आयोजित विश्व शांति पाठ के शुरू होने से पहले काशी ब्रिज और कुरुक्षेत्र से आए हुए विभिन्न अखाड़ों से साधु संतों से बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आषाढ़ अमावस्या के सूर्य ग्रहण के अवसर पर मानव मात्र की मंगल कामना करते हुए शास्त्र और अनुसंधान मनाना है कि इस बार सूर्य ग्रहण का मुख्य केंद्र कुरुक्षेत्र रहा है। इस वर्ष सूर्य ग्रहण जिसका जिस प्रकार से प्रभाव है वह लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है और इस सदी तथा आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार का सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और वेद शास्त्रों की मंत्र शक्ति से नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक प्रभाव में बदलने के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, इसलिए गीता उपदेश केंद्र और उपदेश स्थली में अखंड पाठ और सात्विक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। इस वर्ष कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए बड़े स्तर पर मेले भी आयोजन किए गए। आप देखें पल-पल की विशेष रिपोर्ट। हेमालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमावह महालक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वान्विन्देयं पुरुषानहं महालक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ यस्य के प्रयतो भूत्वा गृह्यादाद्यमन्वः श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत् महालक्ष्म्यै स्वाहा। लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहं महालक्ष्म्यै करणीं यस्मिन् सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो भावः महालक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगा। समादरणीय संतजन एवं अन्य सज्जन वृंद, आषाढ़ अमावस को होने वाले सूर्य ग्रहण के अवसर पर मैं मानव मात्र के मंगल की कामना करता हूँ। शास्त्र के मर्मज्ञ और अनुसंधानकर्ता मानते हैं इस सूर्य ग्रहण का मुख्य केंद्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। उनका ये भी कहना है कि ये सूर्य ग्रहण जिस प्रभाव का है वैसा ग्रहण पहले पिछले लंबे समय से नहीं हुआ है और आगे इस सदी में या इससे कहीं और आगे तक नहीं होगा। भारतीय संस्कृति में वेद शास्त्रों की मंत्र शक्ति में नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक रूप देने की क्षमता है। कुरुक्षेत्र तो वैसे भी गीता की उपदेश स्थली है, इसलिए यहाँ अखंड गीता पाठ और सात्विक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया गया है। इस बार कोविड-19 महामारी के चलते सूर्य ग्रहण को मेले के रूप में आयोजित नहीं किया जा सका, लेकिन मानव मात्र की मंगल कामना भाव से यह अनुष्ठान किया जा रहा है। इसमें देश भर के मुख्य रूप से काशी और ब्रज प्रदेश के मुख्य विद्वान व विप्रजन सम्मिलित हो रहे हैं, साथ ही कुरुक्षेत्र के भी मुख्य विप्रगणों और यहाँ के अखाड़ों के संतों को भी इस अनुष्ठान में आमंत्रित किया गया है तथा वे भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। यह अनुष्ठान सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को रोकने और पूरे विश्व मानवता के हित व राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए हो रहा है। आप सबके दर्शनार्थ टीवी चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। आप अपने अपने स्थान से ही सूर्य ग्रहण के मुख्य केंद्र कुरुक्षेत्र में हो रहे इस दिव्य अनुष्ठान के भाव में अपने मन के भाव जोड़कर रखें। ये निश्चित समझें कि इस अनुष्ठान का लाभ आप सब तक पहुँचेगा। मैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और बाहर से आए हुए विद्वान महापुरुषों आचार्यों का आभार और वंदन करता हूँ। साथ ही ईश्वर से जन जन के मंगल की कामना करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना वायरस का प्रभाव शीघ्र ही अपने राष्ट्र और पूरे विश्व से समाप्त हो। इसी भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।